नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक थिंग। इस वीडियो में फिर से आ गया हूँ रेडमी नोट 3 का गेमिंग टेस्ट करने के लिए। इस वीडियो में मैं टेस्ट करूँगा पबजी मोबाइल के लाइट वर्जन वाले गेम को, जो कि 600 से 700 एमबी का गेम है। पबजी तो इसमें चल गया था, बट वो काफ़ी मजबूरी में, बहुत लो ग्राफिक्स में चला था। उसका जो वीडियो बनाया मैंने उसका कार्ड पर लिंक दे दिया है। उसके अलावा मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी फ्री फायर का भी टेस्ट किया है, तो उसका भी लिंक आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 2 3 GB 32 GB का वेरिएंट है। स्नैपड्रैगन का 650 के साथ ये आता है, अपने समय का किंग फोन है। और जो स्नैपड्रैगन 650 है वो 14 नैनोमीटर पे बना हुआ चिपसेट है, जो कि गेमिंग में के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे ही देता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर पबजी लाइट को ऑन कर दिया है। यहाँ पर आपको एक FPS मीटर मिल जाएगा, जिससे आपको FPS की भी जानकारी मिलती रहेगी गेम के दरमियान, जिससे आपको पता चलेगा फ्रेम ड्रॉप होगा तो आपको FPS भी डाउन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे आप लाइव चिप आपको डिजिटली पता भी चल जाता है कहीं फ्रेम ड्रॉप हुआ या नहीं। बट इसे मॉनिटर करना थोड़ा इरिटेटिंग होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। फिलहाल अभी इस फ़ोन में 60 FPS पर यह गेम चल रहा है। अभी ये तो नॉर्मली आप जब गेम प्ले होगा तब पता चलेगा ये कितनी FPS पर चलता है। तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया है। गेम की जो मैंने सेटिंग है उसे मैंने 30 FPS HD पर डाल के रखी है, फुल HD पर। मैं उसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं एक बार आपकी ग्राफिक्स की इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। ये FPS मीटर के पीछे छिप गया है। ओके, हाँ देखिए, ये ग्राफिक्स में आप जाएंगे तो मैंने इसका टोटल HD तक ही जाती है। HDR मैंने सेलेक्ट करना चाहा पर ये सिलेक्ट नहीं हुआ। ये लिख रहा है दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन योर डिवाइस सून, यानी कभी नहीं आएगा ये सून, कभी इसका होता नहीं है। तो यहाँ पर HD पे आ रहा है और एक्सट्रीम तक ये चला जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो थी वो बैलेंस्ड में थी और वो भी HD तक जा रही थी, हाई तक जा रही थी। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसे अब बंद करता हूँ। यहाँ पर टच रिस्पॉन्स FPS मीटर होने के कारण यहाँ पर थोड़ी टच में दिक्कत हो रही है। मैं बैक बटन से क्लिक किया। अब मैं बता दे दूँ कि ये जो गेम है पबजी मोबाइल लाइट, ये जस्ट पबजी मोबाइल जो है उसका कॉपी है। इसमें क्या है कि इसमें जो मैप है इसको थोड़ी छोटी कर दी गई है, और इसमें एक साथ 50-60 प्लेयर ही आते हैं। और जो इसमें आर्केड मोड भी मिल जाता है, जिसमें आपको TDM भी मिल जाता है। TDM का 2 मैप मिल जाते हैं, पेलोड मोड भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको वॉर मोड भी मिल जाएगा, वॉर मोड इन RPG। तो आप जो भी पबजी में खेलते हो ना, सारी चीज़ इसमें डाली गई है। पबजी में ये है कि आपको ज़्यादा मैप्स के ऑप्शन मिल जाता है, इसमें थोड़ी लिमिटेड मैप के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ये घटिया से घटिया फ़ोन में भी अच्छे से खेलने लायक चल जाता है। इसलिए यह फोन गेम जो है काफ़ी पॉपुलर है। तो फिलहाल मैं ये रेडमी नोट 3 तो घटिया मैं नहीं कहूँगा, फिर भी मैं इसे चेक करूँगा। मैं यहाँ पर 2 गेम खेलूँगा, एक आपको कुछ शॉर्ट आपको दिखाऊँगा इस बैटल रॉयल गेम की, और एक मैं TDM का दिखाऊँगा। तो फिलहाल मैं अब मैच में इंटर करता हूँ, स्क्वाड क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, मैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद इसकी कुछ क्लिप आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप देखता हूँ हाई में क्या परफॉर्मेंस आती है, कोई फ्रेम ड्रॉप मिलता है या नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं। और उसके बाद मैं एक TDM का भी आपको कुछ छोटा सा क्लिप दिखा दूंगा। तो यहाँ मैच को लोड होने देते हैं। तो मैच में लोड हो चुका है, ये लो मैं लॉबी में आ चुका हूँ। लॉबी में अप्रॉक्स 56-60 बंदे यहाँ पर आते हैं मुझे जहाँ तक याद है। तो देख सकते हैं आराम से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से कोई दिक्कत नहीं। देख सकते कितनी स्मूथनेस से यहाँ पर ग्राफिक आ सके, हल्की फुल्की यहाँ पर अभी एनिमेशन मैंने किया। और भाई चलो थोड़ा ग्राफिक्स दिखाओ कैसा है। तो देख सकते हैं ग्राफिक्स यहाँ, देखिए यहाँ पर हल्की सी एक और फ्रेम ड्रॉप हुई हाई में। तो फ्रेम ड्रॉप अगर हाई में चले तो आप इसे मिनिमम बैलेंस मोड में भी जाके अच्छे से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ मुझे अभी दो मैच खेलने, तो इसलिए मैं एक ही टेस्ट कर रहा हूँ। आप अगर हाई में अच्छे इस तरह का चल रहा है तो मान सकते हैं कि बैलेंस में काफ़ी अच्छे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पर फिर से एक फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को मिला, मैं ये फिर कहीं लैंड हो जाता हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ी मेरी फ्रेम ड्रॉप मिल रही है, तो एक बार जंप करता हूँ नीचे। देखिए यहाँ पर फिर से आपको एनिमेशन यहाँ पर कम मिला होगा देखने को, और देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर बहुत लैग हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं इसे जो है ना थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर काफ़ी लैग हो रहा है। मैं थोड़ी सेटिंग को जो है ना, मैं सेटिंग में जाता हूँ और इसकी जो ग्राफिक्स है इसे रिसेट कर देता हूँ, जो भी इसकी ग्राफिक्स होगी।
यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस के हाई में चला गया है। अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स कैसी होती है मिलती है। तो यहाँ पर वाह अच्छी बात है, ऑटो में चला गया था तो ये चल रहा है। यहाँ पर एक गन मुझे मिल गया है। पबजी की खासियत ये है कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी क्लियर है, कोई चीज़ ज़्यादा लैगी टाइप का नहीं दिख रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी में गेम तो काफ़ी अच्छा बनाया है उन्होंने, बट उसमें इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है खेलने में, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जो कि यूज़ नहीं है, बट गेम में वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर थोड़े फ्रेम ड्रॉप तो मुझे मिल रहा है, इसमें तो फ्रेम ड्रॉप मुझे पबजी जो नॉर्मल पबजी है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है। अभी किसी बंदे ने जंप किया है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। ओके ये बंदा बॉट ही है, पक्का बॉट है, बॉट है, बॉट है, क्या है ये तो। कोई बंदा है, क्या है ये तो पता नहीं चल रहा है। एक और पीछे से किसी ने फायर किया था, मैं आता हूँ उनसे थोड़ा मिलके उनका। ओहो बस कर भाई, बस कर बस कर बस कर, मैं आ रहा हूँ। एनिमी डाउन, काफ़ी अच्छा इसमें ये ऑडियो दे दिया है। ये तेरे पास क्या है? ओके और कोई बंदा है? ये पक्का बॉट था। तो देखा आपने कि गेम अच्छा चल जा रहा है, हाई में बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप मिलता है, बट जहाँ तक मैं इसे बैलेंस मोड में चला रहा हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, तो कोई यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। कुछ हल्की फुल्की तो भाई पबजी है, पबजी जब तक लैग ना हो तब तक वो पबजी गेम कहलाता नहीं है। आप कोई भी पबजी का गेम खेल लो, उसमें कितनी भी अच्छी फ़ोन हो, हल्की फुल्की तो फ्रेम ड्रॉप होती है। बट ओवरऑल जहाँ तक इस डिवाइस में बात करें, तो मैंने एक मैच खेला इसमें हाई ग्राफिक्स में, मैं जो भी इसकी कैपेसिटी है उस पर चलाया तो हल्की सी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिली, बट बैलेंस मोड में जो भी इसके डिफ़ॉल्ट है बैलेंस के हाई में चलाया तो ग्राफिक्स ज़्यादा ड्रॉप नहीं मिल रहा है। तो ये तो मैच में काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अब इस मैच को बंद करते हैं बंद, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ टीडीएम को। टीडीएम मैच में देखता हूँ कैसा परफॉर्मेंस मिलता है हाई में और बैलेंस में। तो चलिए मैं इस मैच को अब यहाँ से बंद करता हूँ। तो मैंने मैच को बंद कर दिया, मैं डायरेक्ट जाता हूँ टीडीएम में जो कि आर्केड में आता है, आर्केड के टू टीडीएम वेयर हाउस, और मैं इस मैच में जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कैसा मुझे ग्राफिक्स का रिप्रोडक्शन मिलता है। अभी फ़िलहाल बैलेंस मोड में चल रहा है जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद मैं इसे कुछ सेकंड के कुछ मिनट के लिए इसे हाई पे भी चला के देखूँगा कैसा वहाँ पर आता है। हीटिंग की बात करें तो बिल्कुल हीट तो होने लगा है फ़ोन, जैसा मैंने अभी इसमें ये चार इसके अलावा तीन गेम खेले थे, पबजी में तो हीट हुआ था, कॉल ऑफ ड्यूटी में कुछ खास हीटिंग नहीं हुई थी, फ्री फायर में भी कोई खास हीटिंग नहीं हुई थी, बट पबजी मोबाइल लाइट में हीटिंग यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ टीडीएम में कैसा हीटिंग आता है। तो टीडीएम में आ गया हूँ यहाँ पर, अरे मर जा। ओके सॉरी, यहाँ पर अभी मैच स्टार्ट हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पर थोड़ी मोड़ी तो यहाँ पर मुझे लग रही है लैग टाइप की। ओके यहाँ पर चारों तरफ से फायर हो रहा है। ओके गेम स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कि कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलता है टीडीएम में। बिल्कुल ये जो टीडीएम है ना, ये जैसा आप नॉर्मल पबजी में देखते हो बिल्कुल वैसा ही है, कोई इसमें चेंजेस आपको मिलेगा नहीं। वो बंदा देखो यार, मारूंगा तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि पबजी जब फाइट होता है तभी दिक्कत करता है। ओ माय गॉड, मुझे ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, मजाक की बात है। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो किल होने का भी एनिमेशन है, थोड़ा यहाँ पर आपको फ्रेम का कमी लग रहा होगा। अरे भाई इधर से आओ, सामने से आना तो आओ ना। ओहो काफ़ी प्रो बंदा है, खेल खेल के काफ़ी प्रो हो गया। ओके मैं फिर से जा रहा हूँ, एक्चुअली ज़्यादा मज़ा तो अभी टीडीएम में ही आता है। कब होमी
अरे तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। ओके कॉपीराइट आ जाएगा, सॉरी गाना नहीं गाना है, कहीं कॉपीराइट आ गया तो एक नए चैनल की जान निकल जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मस्त गेम चल रहा है टीडीएम में। तो कोई भी हल्की फुल्की स्टार्टिंग में फ्रेम ड्रॉप चल रही थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है। एक साथ सारे टीम ही मेरे पे जम कर दिया है। ओके सॉरी। तो देखा आपने यहाँ पर टीडीएम में ये गेम का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कोई दिक्कत यहाँ पर आ नहीं रही है। और हीटिंग भी ये जो है हीटिंग थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर चलना ना पबजी खेलना है तो हीटिंग से तो नाता लगा रहेगा। गेम भी काफ़ी अच्छा इसमें चला, कोई दिक्कत हुआ नहीं। हाई ग्राफिक्स में थोड़ी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर मुझे देखने को मिली, बट आप इसे इसमें अगर गेम खेलना है तो जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग बैलेंस में आता है उसी में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ़ोन के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि आपको अगर हाई में जाओगे तो आपका बैटरी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, फ़ोन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, फ़ोन के प्रोसेसर ज़्यादा हीट होंगे तो आपको गेम में भी काफ़ी इरिटेशन होगा, काफ़ी लैग देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि यह गेमिंग रिव्यू पबजी लाइट का आपको अच्छा लगा होगा। उसे लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने पबजी दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर देंगे कि बता देखिए और देखो ये पबजी जो है रेडमी नोट 3 में भी अभी भी चलता है। और किसी भी हाल में चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अपने शुभ विचार अच्छे विचार को नीचे कमेंट में लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या विचार आया इस फोन वीडियो को देख के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।